इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिली। बाजार बंद होने पर इंट्राडे कारोबार के दौरान हुई बढ़त कम हो गई। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की वजह से इन्वेस्टर चौकन्ने हो गए हैं। रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन और उनके पति पर बरमूडा और मॉरिशस में ऑफशोर फंड में अघोषित इन्वेस्टमेंट का आरोप लगाया गया है। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 56 अंक टूटकर 79,648 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 20 पॉइंट गिरकर 24,347 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पैक में अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, भारतीय स्टेट बैंक और नेस्ले इंडिया सबसे ज्यादा लुढ़के और एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स और एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा बढ़त में रहे। मार्केट सीम्स टू हैव कंप्लीटली इग्नोर्ड द लेटेस्ट हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट व्हिच एलिगेटेड द सेबी चेयरमैन लिंकिंग देम टू अडानी एंड सो एंड सो फोर्थ। This clearly proves that the same bullet cannot be fired twice. It's a burnt bullet. The matter is over. People do not believe in the credibility of Hindenburg. Overall, a flattish day. I think because the American markets were closed over the weekend, we might see some movement tomorrow. मीडिया, एफएमसीजी और पीएसयू बैंकों ने बाजार को नीचे खींचा, जबकि टेलीकॉम, आईटी, रियलिटी और मेटल के शेयरों ने बाजार की रफ्तार बढ़ाई। एशियाई बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। हांगकांग का हैंगसैंग और सियोल का कॉस्पी बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट गिरावट के साथ। जापानी बाजार छुट्टी की वजह से बंद था। यूरोपीय बाजार मिले जुले रुख पर कारोबार कर रहे थे, जबकि वॉल स्ट्रीट 14 अगस्त को जारी होने वाले अमेरिकी इन्फ्लेशन के आंकड़ों से पहले शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 406 करोड़ रुपए से ज्यादा की इक्विटी खरीदी।